उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने वाले माफिया अतीक अहमद को अदालत में पेश करने के लिए पुलिस की कड़ी निगरानी में प्रयागराज लाया गया। यहां उसे नैनी जेल में ही रखा जाएगा। आपको बता दें कि उमेश पाल के अपहरण मामले में अतीक को प्रयागराज लाया गया था और उसे यहीं रखा गया था। अतीक अहमद के अलावा बरेली जेल से माफिया के भाई अशरफ को भी प्रयागराज लाया जा रहा है। आपको बता दें कि आज अतीक की कोर्ट में पेशी होनी थी लेकिन देरी की वजह से पेशी टाल दी। ट्विटर के CEO एलन मस्क ने कहा कि कंपनी 20 अप्रैल तक बिना सब्सक्रिप्शन वाले सभी लेगेसी अकाउंट से ब्लू टिक वापस ले लेगी। इससे पहले इसके लिए 1 अप्रैल की समय सीमा तय की गई थी। इस महीने की शुरुआत में ट्विटर ने सब्सक्रिप्शन शुल्क देने से मना करने पर न्यूयॉर्क टाइम्स का ब्लू टिक भी हटा दिया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में लालू के बेटे तेजस्वी यादव और बेटी मीसा भारती से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है, परंतु अब ईडी ने लालू यादव की एक और बेटी को पूछताछ के लिए बुलाया है। जानकारी के अनुसार ईडी ने बुधवार को लालू प्रसाद की बेटी रागनी यादव का रेलवे घोटाले में कथित जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बयान दर्ज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के बाद कहा, आजादी के बाद रेलवे के आधुनिकीकरण पर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा। प्रधानमंत्री ने कहा, राजनीतिक स्वार्थ देखकर तय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा। राजनीतिक स्वार्थ में ऐसी ऐसी ट्रेनों की घोषणा की गई जो आज तक चली ही नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीएम मोदी का 2014 से पहले के रेल मंत्रियों के कार्यकाल के फैसलों को भ्रष्टाचार राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।